राजू भाई मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए राजू भाई। मैं कुत्ता लगा क्या पीछे? कुत्ता है नहीं तो क्या घोड़े पे सवार हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। गरे को तवे पे रख दिया था क्या? ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल देख नहीं रहे। यहाँ योगा चल रही, आसन चल रहा, सब ध्यान मग्न है और छोटे सांड की तरह घूम रहे हो। पेट निकल आया है, मोटा चश्मा लगा लिया, दाढ़ी पूंछ हो गई। तुम अक्ल नहीं, तुम रहोगे बैल के बैली। कहाँ घुसा, कैसे घुसा, सब विघ्न पैदा कर दिया। तुम्हारी क्या परेशानी, क्या तुम्हारी समस्या? वो क्या, अब क्या बताएं राजू भाई? अच्छा, छोकरी का लफड़ा है, उसका भी निवारण है योगा में। उसे बोलते हैं पटाऊ आसन, हम समझाएंगे। इन सब लफड़ों से हम कोसों दूर है राजू भाई। अनर्थ, शु, घोर अनर्थ। क्यों दूर हो? ऐसे लफड़े तो अति आवश्यक है जीवन में। प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर ऐसे लफड़े होने ही चाहिए। खैर छोड़ो, इनको कौन समझाए। तुम अपनी समस्या बताओ। समस्या आप कान ले इधर लाइए। क्या हुआ? हाथ नीचे करो। तुम लोग क्या हुआ? और सीधे हो जा, सीधे हो जा। इतनी बड़ी कोई समस्या नहीं है। आपकी समस्या के लिए एक तपस्या करें। वो क्या? कमरा को झुकाओ। कमरा? ये क्या है? ये कमर है। अच्छा, इसको ये लोग कमर कहते हैं। इसी को झुकाओ। कमरा झुक गया, अब कमर झुक जाए। अति उत्तम। अब दाहिना हाथ बाहर निकालें। राजू जी ये पैर है। अच्छा, आजकल ये पैर है। दाहिना हाथ यूं बाहर निकालें, पांचों उंगलियों को जोड़ें और यूं मसलें मुद्राएं रुपए की भांति। आहाहा, क्या आसन है। वाह वाह, क्या आप बेकार की हरकतें कर रहे हैं? ये कौन सा आसन है? उंगलियों को ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं, ये कोई आसन हुआ? चुप कर। कोई को मदद करना बेकार है। तेरे दिमाग भरा है भूसा, तू गांव जा और गोबर का कंडा पाथ। लेकिन राजू भाई इसका मतलब क्या हुआ? कमर झुकाओ, हाथ को आगे बढ़ाओ और फिर ऐसे ऐसे करो, इसका मतलब क्या हुआ? ये कौन सा आसन है? ये बहुत बहुमूल्य आसन है। क्या आसन है? अब आप किसी कार्यालय में जाएं, बाबू के सामने बैठें, आपको कोई काम करवाना हो ऑफिस में, टेबल के नीचे से 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए की हरी पत्ती रखो और टेबल के नीचे से रिश्वत आसन का इस्तेमाल। इसे कहते हैं रिश्वत आसन। बस आपका काम बन गया, बाबू भी खुश, आप भी खुश, रिश्वत आसन संपन्न। क्या बात कर रहे हैं आप भी? मान लीजिए मैं ऐसे झुका और वो आगे से ईमानदार निकला और मैं रिश्वत देते समय धर लिया गया, जेल हो गई तो? अनर्थ है, अजीब बात कर रहे हैं। अरे अगर पुलिस स्टेशन तुम्हें ले गए तो यही आसन पुलिस स्टेशन में आजमा लेना, रिश्वत आसन। दरोगा बैठा है सामने, यो हाथ लिया, पत्ती रखा, 100 रुपया 50 रुपये, जितना मोटा दरोगा हो उतनी बड़ी पत्ती। ये नीचे से घसण घसण घसण, हरी हरी। क्या बात कर रहे राजू भाई? सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। मान लीजिए मैं पुलिस स्टेशन चला जाता हूँ और मैंने ऐसे पत्ती बढ़ाई, ऐसे आगे बढ़ा दिया टेबल के नीचे से, पुलिस वाला अगर ईमानदार निकल गया, मैं तो धर लिया गया ना। अरे ऐसे कैसे धर लिया गया? धर लिया, हमरे होते तुमको कोई अंदर कर देगा। अच्छा, फालतू बात कर रहे हो, हमरे पे विश्वास नहीं, ऐसी बात कर रहे हो? हमारे उसमें आए हो योग केंद्र में, इस प्रकार की बात करते हो? जैसे ही वहां पे बात चले कि तुम गड़बड़ आदमी, रिश्वत दे रहे हो, फैल जाओ, फैल बट्टा मचा देना, पूरी चीटिंग और फ्रॉड के अंदर आ जाना और कह देना मैं तो हाथ मिला रहा था, मैं टेबल के नीचे से ही हाथ मिलाता हूँ। लेकिन राजू भाई ये कौन सा स्टाइल है, टेबल के नीचे से हाथ डालकर हाथ मिलाने का, ये कौन सा स्टाइल है? ऐसा कुछ अजब गजब फैला देना, ससुरा कंफ्यूज होके गिर जाए वहीं। और हाँ, उसको ये भी बता देना, योगा में इसको कहते हैं हाथ मिलाओ आसन, और इस आसन को मैंने अभी अभी जन्म दिया। राजू भाई आप तो महान है। राजू भाई आप एक बात बोलूं? राजू भाई आपने योगा के जरिए मेरी जो समस्या लेकर आया था ना, उसका निवारण आपने कर दिया। राजू जी महान है, राजू जी महान है, राजू जी महान है। अरे वो तो हम है ही हैं बचपन से।